गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा देवनंदन बीघा। एक व्यक्ति को लगी गोली, इलाज जारी। जमीनी विवाद बताई जा रही वजह। जहानाबाद जिले के शकुराबाद थाना क्षेत्र स्थित देवनंदन बीघा गांव के समीप अचानक से चली गोलियों की आवाज से लोग भौचक्के रह गए। स्थानीय लोगों के अनुसार कुल 4 गोलियां चलाई गई, जिसमें एक गोली एक व्यक्ति के पैर के ऊपरी हिस्से में जा लगी। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल व्यक्ति दीपक कुमार के अनुसार उसका अपने ही गांव के लोगों के साथ जमीन को लेकर आपसी विवाद चल रहा है और उसी को लेकर उस पर फायरिंग की गई है। दीपक ने बताया कि पूर्व में भी कुछ लोगों के द्वारा उसे जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। दीपक ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वह अपने एक मित्र के साथ बाजार से घर वापस लौट रहा था, उसी दरमियान उन लोगों पर कुछ अपराधियों ने गोली चला दी। अपराधियों ने कुल 4 गोलियां चलाई, जिसमें से एक गोली दीपक की जांघ में जा लगी। स्थानीय लोगों और अपने मित्र की मदद से घायल अवस्था में शकुराबाद PHC दाखिल कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल रेफर किया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि घटना की सूचना मिल चुकी है, अपराधों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। फिलहाल घायल व्यक्ति का इलाज जारी है। लुटवाने गए थे, उसी दरमियान किसी ने मोटरसाइकिल से इनको गोली चला दिया। अभी देखे नहीं कि कौन है, लेकिन अब बयान के बाद में इसे बड़ा बाबू निकल गए हैं घटनास्थल पर। हम इनको यहाँ लेकर आए हैं। क्या सूचना मिला सर आप लोग को? सूचना मिला बड़ा बाबू को मोबाइल के द्वारा, सूचना यही मिला गया कि एक आदमी को गोली मार दिया गया, इन लोग को बताया गया। हम लोग तुरंत गाड़ी को घटनास्थल पहुंचे और इसको लेकर के तुरंत हम यहां तक आए। किस गांव की घटना है सर? कौन सा गाँव है जी? देवनंदन बीघा थाना शकुराबाद जिला जहानाबाद। कितनी गोली लगी है सर? ऐसा अब तो ये जांच के बाद पता चलेगा, नहीं बता सकते हैं। अभी तो वहाँ लेकर के हॉस्पिटल रतनी गए, रतनी के बाद आए यहाँ पंडित करके, अब यहाँ देखा जाएगा कितना है क्या है, जैसे स्थिति होगा वैसा बताएंगे। सर हमने जैसे कि घर पर सोए थे सर, और ये जैसे कि मतलब कि उतरा गांव से हल जोत कर जैसे कि अपना घर पर आ रहे थे सर। उसके बाद में मतलब उतरा गांव से हमारे गांव जैसे कि मतलब 1 किलोमीटर दूरी में पड़ता है सर। बीच रास्ता में मतलब कि ये पहुंचे, एक ब्रिज है ब्रिज के पास, उसके बाद में जैसे कि ब्रिज पर पहुंचा तो पीछे से अचानक जैसे कि गोली मार के 5-6 गोली मारा है। बाकी एक गोली इसका लगा हुआ है सर। फिर भी जैसे कि एक गाँव का पटवन कर रहा था खेती में पानी, उसके पास जैसे कि अपने ताकत से भाग कर गया, उसने आदमी जैसे कि इसको लेके भागा। घर पर पहुंचा तो देखे कि हमारा भाई का गोली लगा हुआ है सर। कौन गांव की घटना? एक ग्राम देवनंदन बीघा का सर। एक गोली कहां मारा गया? गोली जैसे कि ग्राम देवनंदन बीघा ब्रिज के पास सर। क्या नाम हुआ इनका जिनको गोली लगा है? सर मेरा गोली लगा हुआ है। 3 दिन पहले जुगल किशोर यादव जी ने बोला था कि तुम धरती पर आएगा तब ना जमीनी मेरा भी विवादित था। उसको बाद में 10 दिन पहले मेरा सुनील यादव ने से बदरस हो गया था, वो बोला मेरा गार्जियन के पास फोन करके तुम रहेगा तब ना। उसके बाद में मेरा आज के दिन मेरा गोली लग गया सर। एक गोली लगा बात 4 गो ब्रिज किया। जमीनी विवाद है जी, आली के चक्कर में हो गया सर। अच्छा, गांव के आदमी मार दिया जी? गांव के आदमी सुनील यादव ने मरवाया या जुगल किशोर जी ने मरवाया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ दीपक कुमार। ठीक।